कुछ नहीं अपना, जो जिनको टिकट नहीं मिल रही वहां, किसी ने कांग्रेस की नहीं मिली, किसी ने बीजेपी की नहीं मिली, उनको कैंडिडेट बना के सोचते हैं कुछ जो माल है छोटा मोटा अपना चुरा चुरू के सोचते हैं, भाई वहां भी थोड़ा ईसा सप्पा लग जाए, ईसा सप्पा थोड़ी लग सकता है, सपने में भी नहीं लग सकता। जो हो लिया वो तो खेल खत्म हो चुका भाई, का जो ताला है इस नहीं, ताली ताला खत्म हो गया, वो ताली ना ताला। जाट वोट बैंक है सिर्फ हुड्डा के पास आज, और किसी के पास नहीं है, लेकिन हुड्डा के पास आज भी और वोट नहीं है, जाट वोट है, और के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वैसे ही नहीं होगा, और के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर जाटों का आज यूं समझिए आप 80% से अबव वोट आज अकेला हुड्डा के पास। उन्होंने चार चीफ मिनिस्टर का जो डिप्टी सीएम का जो बात कही है तो वही बकवास, उसमें कोई दम नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दूंगा, बैकवर्ड ने एससी ने बना दूंगा, ब्राह्मण ने बना दूंगा, दे के देगा। अरे तूने 9 साल राज करा, बता किसको के दिया, वही बकवास की बात है, उसमें कोई दम नहीं। मायने रखता केवल चीफ मिनिस्टर और स्टेबल सरकार, सरकार स्टेबल हो, टूट फाट का खतरा कम हो, तो एक छतर राज चलता है चीफ मिनिस्टर का। इनेलो तो यूं कह देगा, दो क्यों बनाएंगे, 52 बनाएंगे, जब वोटे नहीं पर्ची तो एक भी नहीं ले रहे, बनाओगे किसके सारे, बनी चीज जब भी होगी जब एमएलए आएंगे। अब वो एस वाई एल के बारे में पूछ रहा था ये भाई, एस वाई एल का मामला है ये, जो भी किसान आंदोलन चला, हमारे भाइयों ने इतना समर्थन दिया था जिसका कोई अंदाजा नहीं, कहते थे आप हमारे बड़े भाई हो, हम आपके छोटे भाई हैं। अब वो छोटे भाई की गर्दन काटना भव क्यों नहीं, वो खोद के, जब कहते थे जी खोद के दे देंगे आपको। और दुख की बात है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को मानते ना सेंटर की सरकार को मानते, देश की कौन सी एक वाली बात रहेगी, कोई देश एक की बात है क्या सुप्रीम कोर्ट का ना मानना, कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। मैं तो कहता हूं पंजाब के वो भाई जो किसान आंदोलन में सक्रिय थे, यूं कहते थे भाई हम आपके भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को खोद के देंगे, अब वो कहां मर गए। अब कहते एक बूंद भी नहीं हमारे पास। एक चांद सिंह का सरपंच का टेलीफोन आया था पंजाब का था, कहता जी हमारे पास खूब पानी है और इन भाइयों ने हमारा साथ दिया था किसान आंदोलन में, कहता है ये राजनीति वाले बदमाशी कर रहे हैं, हम खुश हैं, हम चाहते हैं कि इनको पानी मिले। अब और पूछ ले, वो पूछ रहा था संजीव बाल्याण, कहता है जी राजधानी बने मेरठ, यूपी से अलग वेस्टर्न यूपी, विदर्भ की भी मांग उठी थी महाराष्ट्र से अलग स्टेट बनाओ, छोटी स्टेट देश की, देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक, देश की एकता के लिए खतरा है, ये देश ही नहीं रहेगा अगर छोटी छोटी स्टेट बना दी तो। आप देखिए पंजाब कितना रुतबा था, पंजाब का, पंजाब हरियाणा हिमाचल एक था, कोई ऐसा भी जमाना था पुराने वक्तों में जब लाहौर राजधानी होती थी पंजाब, वो पंजाब, वो पुराना पंजाब, आज क्या हाल हो गया।